Jai Bismillah Rahman Rahim. Dear students, as you know, we are on with our lecture of poem A Good Timber. That was part one. Now we have to study. Today we'll study text, that is lecture two. In first lecture, we have introduced to this poem. और बड़ी डिटेल से हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, इसके टेक्निक डिस्कस की थी, इसका थीम डिस्कस किया था. बेसिकली जो इसका थीम था, दैट इज़ लॉ ऑफ नेचर. और वो लॉ ऑफ नेचर क्या है? दैट इज़ हार्ड वर्क. और हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो है वो लाइफ इज़ नेम ऑफ ट्रायल्स एंड स्ट्रगल्स, कि ज़िंदगी इंसान की जो है वो जद्दोजहद से इबारत है. जिस इंसान की ज़िंदगी में जद्दोजहद नहीं है, मेहनत नहीं करता, वो कुछ हासिल भी नहीं कर सकता. और वो अपनी ज़िंदगी जहाँ से वो स्टार्ट करता है, एज़ इट इज़ ही वो उसको जाकर एंड कर देते हैं. और हमने ये भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पोइट ने कंपैरेटिव दिया है ट्री और मैन का, कि दोनों के दोनों सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होते हैं. अच्छा ट्री जो है वो ना सिर्फ शेड प्रोवाइड करता है, बल्कि जब उसको एज ए टिम्बर यूज़ किया जाएगा तो वो एक अच्छी क्वालिटी के हमें टिम्बर भी प्रोवाइड कर देगा. लाइक वाइज एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टर्डी और ट्रस्टवर्दी मैन जो है वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी इक्वली हेल्पफुल है, कि लोग उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं. और ये भी हमने साथ साथ पढ़ा था कि जिस तरह एक ट्री दरख्त जो होता है वो हवा के थपेड़े खाकर स्टॉर्म्स को बर्दाश्त करके स्ट्रॉन्ग बनता है, ग्रो करता है, स्प्रेड करता है, शेडी होता है और उसकी वुड उतनी स्ट्रॉन्ग होती है. इसी तरह जो है वो ये जो मैन है इसकी भी यही पोजीशन है. ठीक है, तो लेट्स कम टू द टेक्स्ट. हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड मैन डिस्कस्ड इन दिस पोएम, राइट. एक वो है हु आर इजी फेड, राइट, जिनको हर चीज़ घर बैठे मिल गई, बनी बनाई मिल गई, उनको नहीं पता कि ज़िंदगी में स्ट्रगल क्या चीज़ है. और दूसरी टाइप उन लोगों की है जो कंटिन्यूसली स्ट्रगल में है, वन डे टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेप ओवर टू अनदर, हर लम्हा उनका जो है वो लोगों का स्ट्रगल में गुजर है. तो दोनों की लाइफ का क्या पैटर्न है, क्या चेंजेस हैं और उनका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, वो आज हमने टेक्स्ट में स्टडी करना है. फर्स्ट टू स्टेंजा, स्टेंजा वन एंड टू, दे डिस्क्राइब फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रीज एंड मैन विच आर इजी फेड, दे हैव नो फाइट, दे लिव इन ओपन प्लेन एंड दे इजीली गेट देयर शेयर. इफ आई कम टू द टेक्स्ट, द ट्रीज दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, दीज आर एसेंशियलिटीज रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज विच आर टू बी अचीव्ड, विच आर मस्ट टू लिव, बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन. ओपन प्लेन इज सिंबल डिस्क्राइब्स नो डिफिकल्टीज, किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डीप स्ट्रगल नहीं है, ठीक है, एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और खुद ब खुद ही बारिश जो है वो मिलती रही. अब मिसाल के तौर पर आप देखें, आप जो है वो एक घर के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है, बारिश हो रही है तो ज़ाहिर है आपके ऊपर बारिश नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बाहर खुली मैदान में पड़े तो खुद ब खुद ही बारिश आ जाएगी. अगर आप घर के अंदर हैं तो बारिश के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पीड है लेकिन स्ट्रगल तो लाजमी करनी पड़ेगी. एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग. किंग कौन होता है, ठीक है, अब तो प्रेजेंटली वो किंगशिप का इतना दौर नहीं है, लेकिन माजी में आप हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि एक मुल्क का बादशाह था, किंग था, इस तरह जब वो कौन होते थे, वो लोग होते थे जो जिनके ऊपर लोग रिलाय करते थे, ट्रस्ट करते थे, उनके डिसीजंस को मानते थे, ठीक है, और वो पूरे मुल्क को रन करते थे. इसी तरह लॉयन, शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अपना शिकार खुद करता है. आप देखें, वीडियोस देखें, आप देखते होंगे कि कई एनिमल ऐसे हैं कि जो अपना शिकार खुद नहीं करते, वो मरा हुआ शिकार कर, वो क्यों जंगल के किंग नहीं बन जाते, वो इसलिए नहीं बन जाते क्योंकि उनकी लाइफ में वो पैशन, वो स्ट्रगल, वो अचीवमेंट, वो लेबोरियस लाइफ उनकी नहीं है जैसा कि होनी चाहिए. इसी तरह आप ट्रीज को देख लें कि जब आप किसी तरह वक्त में जब लोग ट्रैवल करते थे, जंगलात बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो वो निज़ाम नहीं रहा, तो जंगल जो होते थे उसमें लोग कहते थे जी कि जंगल के दरमियान में जाकर रेस्ट करेंगे, मिड में जाकर रिलैक्स करेंगे. उसकी वजह ये होती थी कि मिड ऑफ द फॉरेस्ट जो ट्रीज होते हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा घने, स्प्रेड और स्ट्रांग होते हैं. उसकी वजह ये है कि उनको सन लाइट एयर और रेन के लिए अपने आप को स्प्रेड करना पड़ता है, फैलाना पड़ता है, अपने लीव्स को, अपनी ब्रांचेस को स्ट्रांग रखना पड़ता है, अपने स्टेम को, तने को स्ट्रांग रखना पड़ता है, अपनी रूट्स को स्प्रेड करना पड़ता है, ताकि वो उस घने जंगल के अंदर रहते हुए अपना शेयर हासिल कर सकें. तो उतना ही ज़्यादा वो होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, स्टर्डी होते हैं. और अक्सर जो तालाब होते हैं, बाज दफा जब पुराने में पहले हुआ करते थे जंगलात के अंदर चश्मे तालाब, वो वही होते हैं जो जंगल का मिड होता है, ठीक है. तो जबकि जंगल का जो स्टार्ट होता है वहां पर वो किनारे के दरख्त होते हैं, वो उतने घने, सायेदार और शेडी नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते जितना जंगल के मिड में जाकर हो जाते हैं.
तो ऐसे ट्री का एंड क्या है कि इट एंड्स एट एज अ स्क्रबी थिंग. स्क्रबी थिंग मींस लोअर थिंग व्हिच हैज नो वैल्यू. ठीक है, स्क्रब कर दिया, बेकार कर दिया. ठीक है, इट हैज नो वैल्यू. तो ऐसे ट्री का ये एंड होता है. ठीक है, एंड इट डज नॉट बिकम अ फॉरेस्ट किंग. यानी इट डज नॉट बिकम द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री ऑफ द फॉरेस्ट. लाइकवाइज इज केस विद मैन. इसी तरह पोएट ने इंसान की जिंदगी को भी डिस्क्राइब किया है इन स्टैंजा 2. द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल. टॉयल मीन्स एफर्ट, मेहनत, जद्दोजहद. ठीक है, टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉयल. ठीक है, फार्म द पैच ऑफ सॉयल, इट मीन्स लेबर, जद्दोजहद, बहुत सख्त किस्म की जद्दोजहद, बहुत सख्त किस्म की मेहनत, जिसको हम कहते हैं ये बड़ी लेबर कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है. ठीक है, जिसको अपने लिए लैंड लेनी पड़े, फिर उसको फार्म करना पड़े, फिर पैच ऑफ सॉइल प्रिपेयर करना पड़े. हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर. कि जिसको अपना हिस्सा जो है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ है उसको अंदाजा ही नहीं कि ये कैसे हासिल की जा सकती है. आज भी आप देख लें इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी जो है वो क्या चीज़ कह रही है. वो यही चीज़ आपको बता रही है कि आपके जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आई थिंक सोसाइटी का 1 या 2% हैं कि जिनको हर चीज़ जो इजी फेड है, हर चीज़ उनको घर मिल गई है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि बाहर बाजार में काम करने वाला एक मजदूर, एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर, सड़कों पर काम करने वाले कारकुनान और इसी तरह जगह जगह मेहनत करने वाले लोग जो हैं वो किस तरह मेहनत करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, उस पैसे से अपनी ज़िंदगी की चीज़ें अर्न करते हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ अर्न करते हैं. ठीक है, तो जिस वक्त वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है, तो ये जो रिचेस्ट पीपल होते हैं जिनको घर बैठे सब कुछ मिल जाता है, वो लोग जो हैं वो उनके लिए फिर प्रॉब्लम आता है, फिर उनको समझ नहीं आती कि जी अब हम क्या करें, फिर वो और वेट करते हैं. लेकिन उसके बाद वो मुश्किल. तो इसी तरह सेम इज द सिचुएशन ऑफ मैन. ठीक है, हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर. एंड रिजल्ट उसका क्या है, ही नेवर बिकेम अ मैनली मैन. मैनली मैन जो है इट इज क्वालिटी ऑफ मैन. ठीक है, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जो स्ट्रांग हो. मिसाल के तौर पर हम किसी को भी कहते हैं ना कि यार मर्द बनो, मर्दाना क्वालिटी का मुजाहरा करो, मुश्किल वक्त है इसमें मर्दानगी से काम लेना पड़ेगा. तो वो मर्दानगी, वो मैन बाई जेंडर जो है, वो तो मैन बाई जेंडर तो वो मैन है, लेकिन क्वालिटी वाइज भी तो उसको जो है वो मैन होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, हालात से निपटना पड़ेगा. उसको हम कहते हैं यार मर्द आदमी है, शेर आदमी है, दलेर आदमी है. ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं मैनली मैन. तो ऐसा शख्स कभी मैनली मैन नहीं मिलता, बल्कि पोएट कहता है बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन. के एज बिगेन का मतलब है कि सारी जिंदगी उसकी लाइफ में कोई, उसकी पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं आई, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, कोई उसने जो है वो अपने आप को शाइन नहीं कराया, अपनी एबिलिटीज़ को सामने लेकर नहीं आया, अपने पोटेंशियल को ट्राई नहीं कर सका ऐसा शख्स. आप देख लें बाद आपकी क्लासेस में भी अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ अनायत किया दिया, उनके अपने बिजनेस हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, सीएनजी स्टेशन हैं, बड़े बड़े प्लाजा हैं, और एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि जी ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो कर लें मैट्रिक, कर लें एफएससी, कर लें, उसके बाद उन्होंने जाकर अपना वो बिजनेस ही संभाल लें. ठीक है, उनकी अपनी लाइफ का पैटर्न है, उनकी फैमिली के अप्रोच है, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते. और लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो फिर क्लास में उतने अटेंटिव नहीं होते. उनको पता होता है कि जस्ट उन्होंने पास करना है और उसके बाद उन्हें जाकर अपना फादर का बिजनेस संभाल लेना है. अच्छी बात है अगर उनका एम है आगे पेरेंट्स को सपोर्ट करने का, बहुत अच्छी बात है. लेकिन एक वक्त आता है उन लोगों की लाइफ में भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं. उसके लिए वो स्टूडेंट्स जो ऑन दी अदर हैंड आप देख लें कि आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बड़े पुअर बैकग्राउंड से होते हैं लेकिन इंतहाई डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जहन में ये टेंशन भी होती है कि जो है वो घर जाएंगे तो आज पता नहीं क्या सिचुएशन बनी होगी. मैं पर्सनली खुद जानता हूँ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे क्लासेस में डील किए हैं कि जिनके मुझे पता होता था कि जो है वो क्या किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो किस सिचुएशन में क्लास में बैठे हुए होते हैं और उनको बात को जल्दी होती थी कि हम घर जाएं और जाकर करें. मेरा पर्सनली एक स्टूडेंट था जो 4-5 साल पहले कॉलेज में, वो स्टूडेंट जो था वो घर जाता था कॉलेज से और जाकर 4 घंटे बस्ती की मार्केट में कपड़ा भी बेचता था. और आज वो माशाल्लाह जो है वो ही इज ओनर ऑफ मैनी व्हीकल्स. उसने अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी ओपन कर ली है. उस जमाने में वो पढ़ता भी था, बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था, बड़े अच्छे नंबर भी लिए तो है. तो ये चीज़ ही हैज बिकम अ मैनली मैन. लेकिन उसके मुकाबले में मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ कि जो रिलाय करते रहे
ओपन प्लेन में रहे, इजी फेड रहे, लेकिन आज वो बेचारे जो है वो उस चीज को भी डील नहीं कर सके जो उनके पेरेंट्स उनको हैंड किया, तो देयर बिकेम नो डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट. व्हेन वी कम टू स्टैंजा 3 and 4, these stanzas describe second type of people jo bahut zyada struggle karte hain, where there is no ease. theek hai, let's have a review of this. Good temper does not grow with ease. Poet ye keh raha hai ki achhi qualities aaram se nahi aa jati insaan mein. theek hai, the stronger wind, theek hai, the stronger trees. jitna zyada tufaan aayenge, aandhiyan aayengi, theek hai, thapede khayega, hawaon ke jhongon ke thapede khayega, theek hai, utna zyada wo tree jo hoga wo strong hoga. ek forest ke andar jo thickest part mein bana hua ghira hua tree hai, uske upar dusre tree toot kar girte bhi honge aur wo unki gire hue shaakhon ko sambhalta bhi hoga, apne upar leta hoga, aur iske sath sath usko us midst mein rehte hue badi sakht effort karni padti hai. The further sky, the greater length. Means के बहुत ज़्यादा struggle है. Further sky means destination बहुत दूर है. अभी strong, अभी जो reliability, अभी trustworthiness, अभी जो है वो strength आने में बड़ा वक्त बाकी है. अभी तो जो basic essentialities है sun, sky, air और light, उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, the greater length, यानी long struggle. ये expressions हैं, आप लोग note कर लें. Further sky means distant ऑब्जेक्टिव, दूर मंजिल बहुत दूर नजर आती है. इसी तरह जो है ग्रेटर लेंथ, इसका मतलब है कि बहुत लॉन्ग स्ट्रगल है, फासला बहुत ज्यादा है. द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, जितने ज्यादा तूफान आएंगे उतना ही ज्यादा जो है वो इंसान उन जो ट्री होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा. बाई सन एंड कोल्ड, बाई रेन एंड स्नो, इन ट्रीज एंड मेन गुड टिम्बर ग्रो. के जितने ज्यादा सूरज आप तपिश देखेंगे, कोल्ड आएगा, रेन और स्नो, जितने ज्यादा एक्सट्रीम हालात आएंगे. आप देख लें कि अब लास्ट में भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हमारी सोसाइटी में आप देख लें कि जून जुलाई मई जून की जब शदीद गर्मी होती है तो बहुत सारे लोग दिन भर घर में एसी कूलर्स लगाकर बैठे रहते हैं. ठीक है, उनका अपना लाइफ पैटर्न है, हम उस पर वो नहीं करते कि वैसा क्यों करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में आप देख लें कि सड़कों पर लेबर काम कर रही होती है. ठीक है, घर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, जगह जगह खोद रहे हैं मुख्तलिफ अदारों के लिए, बिजली की तारें बिछवारा बिछाने के लिए मजदूर लगे हुए हैं. उनको कोई परवाह नहीं होती कि दिन के 12 बजे या 1 बजे वो अपना काम लगे हुए हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने घर में घर कोई चीज़ें 2-3 शिफ्ट करनी हो तो हमें बाहर से मजदूरों को लाना पड़ता है. क्यों? कि वो स्ट्रांग हो चुके होते हैं, स्टडी हो चुके होते हैं, उन्होंने बारिशों में भी काम किया है, सर्दी में भी काम किया है, गर्मी में भी काम किया है. इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर ग्रो. ठीक है, तो बोथ हैव सेम थिंग. फोर्सेज ऑफ नेचर ज्वाइन बोथ टाइप्स ऑफ लाइफ. ठीक है, कुदरत की जो नेचर की जो फोर्सेज हैं वो दोनों चीज़ों को आ मिलाती हैं. ठीक है, तो उसमें गुड टिम्बर ग्रो करता है और अच्छी लकड़ी. आप जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, चिलास हो गया वगैरह की साइड की, या इसके अलावा जो हमारे जो केपीके के बाज़ एरियाज़ हैं जिसमें चित्राल या सवात साइड, दीर साइड के जो जंगलात हैं, उनकी लकड़ी का फर्नीचर क्यों स्ट्रॉन्ग मशहूर है? उसकी वजह कि वो बड़े डेंस फॉरेस्ट हैं, बड़े घने जंगलात हैं, बड़े वो मुश्किलात से वो दरख्त अपने आप को ग्रो करवाते हैं, इसीलिए उनकी लकड़ी स्ट्रांग है. यहाँ से किसी के आप वुड का फर्नीचर कोई कहे जी मैंने टेक्सटाइल या बाग एंड की वुड से कहीं से वुड लेकर बनाया, कोई भी नहीं लेगा. ठीक है, तो आप सारा हमारा टिम्बर जो है वो गुजरात इवन एक्सपोर्ट होता है, किस लिए? उस इलाके का फॉरेस्ट. ठीक है, और वो इसलिए कि वहाँ का जो है वो थिकेस्ट बहुत है, स्ट्रांग बहुत है. तो ऐसे सूरत हाल में गुड टिम्बर्स जो है वो ग्रो करते हैं, अच्छी क्वालिटीज सामने आती हैं. When we come to the concluding stanza, stanza 4, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? Poet says, where thickest lies the forest growth, यानी middle, thickest, middle part of hardships, middle part of forest, man के लिए भी, tree के लिए भी. जब इंसान अपनी मुश्किलात के mid में होता है, ठीक है, तो उसको ये उसको जो है वो परेशान ज़रूर होता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बाद वो स्ट्रगल भी करता है और वो जो है वो वहाँ से निकलता भी है. जब वो वहाँ से निकल आता है तो उसको कोई मुश्किल नहीं लगती. फिर वो पलट कर देखता भी है तो कहता है कि ये तो कोई मसला नहीं था. ठीक है, वो चीज़ें वहाँ से निकल आता है. और आप मिसाल के तौर पर आप ये देख लें, आप क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, जो थिकेस्ट पार्ट ऑफ बैटिंग होता है, मिडिल पार्ट ऑफ बैटिंग होता है, वो हमेशा मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स प्ले करते हैं. और मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रांगेस्ट रहे हैं. यूनस, यूसुफ, इंजमाम, मियादाद, इसी तरह दुनिया की बाकी टीम्स के जितने जो स्ट्रांगेस्ट
और मोस्ट रिलायबल प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा मिडिल ऑर्डर में आकर खेलते हैं पोजीशन 3, 4 और 5 के ऊपर, इसलिए कि उन्होंने जो पहले आउट हुए होते हैं उसको भी कवर करना होता है और जो आने वाले टेल एंडर्स हैं उनको भी कवर कर दें, दे प्ले इन द थिकेस्ट पार्ट, और वही सबसे ज्यादा कहा जाता है जी, अक्सर कमेंटेटर्स भी कहते हैं कि जी के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ऑन द पिच, ठीक है, तो वो यही एक एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ की, आप इसमें से देख लें। वी फाइंड द पैट्रियार्क्स ऑफ बोथ, पैट्रियार्क्स लीडर्स हु कम अप, स्टार्स जो शाइन करते हैं, सामने आए हैं इन दोनों के, ठीक है, एंड दे होल्ड काउंसिल विद स्टार्स, ठीक है, काउंसिल विद स्टार्स जो है इसका मतलब है अचीवमेंट, ठीक है, बुलंदी पर जाना, अचीवमेंट पर जाना, काउंसिल विद स्टार्स, कुछ हासिल कर लेना, एज कंपेयर टू दोस जो एज बिगेन, जो जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हो गए, उसके मुकाबले में ये लोग हैं जो सितारों तक अपनी मंजिल पा लेते हैं, बड़े बड़े अपने अजायम हासिल कर लेते हैं, अपने बड़े बड़े मकासद हासिल कर लेते हैं, हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स ऑफ मेनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, स्कार्स मार्क्स ऑफ डिफिकल्टी, स्कार क्या चीज है, आपके चेहरे पर कट लग गया, ठीक है, हाथ पर कट लग गया, इसको स्कार कहते हैं, यानी ये चलते चलते आपको कोई चीज अचानक लग गई, ये स्कार निशान पड़ गया, ठीक है, तो जितने ज्यादा चेहरे पर हाथों पर निशान होंगे इसका मतलब है स्कार होगा, इसका मतलब है कि इस बंदे ने मेहनत की हुई है, एफर्ट की हुई है, सेम इज द केस कि ये वो ट्रीज है जिनकी ब्रांचेस पर जो है वो निशान पड़ गए, किस चीज के, ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, स्ट्राइफ ट्रायल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, स्ट्रॉन्गर विंड्स, फर्दर स्काई, लॉन्ग स्ट्रगल, इन सारी चीज़ों के निशानात इंसान की जिंदगी पर दरख्तों की शाखों पर पड़ जाते हैं तब जाकर ये स्ट्रांग बनते हैं, और पोएट कंक्लूड कहते हैं दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, जिसके हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ नेचर यह कि थ्रू स्ट्रगल वी रियलाइज आवर पोटेंशियल, और मेहनत करके ही हम अपने मकाम को पहचानते हैं, और पोएट यही कह रहे हैं कि दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, कि इंसान की जिंदगी का जो कानून है वो यही है कि वी हैव टू ओवरकम ऑड्स विद अवर ग्रेट स्ट्रगल, विद अवर एफर्ट, विद अवर हार्ड वर्क, एंड दिस इज अवर यूनिवर्सल ट्रुथ। इसकी मिसाल आप देख लें, दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर बने, औलियाए कराम आए, सहाबाए कराम, अहले बैत अथार कराम, अंबिया, इनमें से किसी की जिंदगी ईजी नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी को उठा लें, किस वक्त जो है वो कुछ शेबी अबी तालिब में, उसके बाद कूड़ा फेंका गया और क्या कुछ उनकी उनको लहू लहान किया गया, उस वक्त वही सरदारान मक्का जो थे वो अपने घरों में बैठ कर याशी कर रहे होते थे, उमराए अरब थे, लेकिन दवाम किसको मिला, उसी कल्चर में से जो स्टार बनकर सामने आए वो यही हस्तियाँ थी। आप हमारे लिए कायद आजम की मिसाल ले लें, उन्होंने कितनी सख्त जद्दोजहद की, आखिर उनकी सेहत का क्या आलम हो गया, लेकिन आज तक और जो है वो क़यामत कायद आजम बेपक पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा, कायद आजम का नाम रहेगा। इसी तरह अम्बिया की आप मिसालें देख लें, 900 साल अम्बिया ने तबलीगें भी की, आप इस्लामिया अपनी हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, करते रहे करते हिम्मत नहीं हारी, आखिर में अगर जो है वो चंद लोग भी उनकी उनकी पैगाम को मान लिया, उनका मिशन जो था वो कम्प्लीट हो गया और उन अम्बिया का नाम जो था वो रह गया, उसके मुकाबले में कारून, शद्दाद, हामान और फिरौन, ये सब के नाम ख़त्म हो गए, इसलिए कि इन्होंने वो स्ट्रगल नहीं की, वो जद्दोजहद नहीं की जितनी दूसरों की। तो यही कॉमन लॉ ऑफ लाइफ है, और अल्लाह ताला भी पसंद फरमाता है, अलकासिम हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है, जिसको सब कुछ मिल जाए उसको भी फ़र्ज़ है कि वो मेहनत करे। तो अल्लामा इकबाल, टू कंक्लूड, एंड पर मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर आपके नाम इस पोएम से करूँ के हवाले से करूँगा। अल्लामा इकबाल मेहनत करने वाले के बारे में फरमाते हैं, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेसा ओ संगे गिरा है जिंदगी। थैंक यू सो मच।